शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल TV। आज 30 कॉलोनी में एक बड़ी चोरी का समाचार है। जिला में निरंतर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और अभी तक किसी वारदात की गुत्थी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। चोरों ने गत रात सतीश कॉलोनी की गली नंबर 4 में घर के लॉक व अलमारी के लॉकर तोड़कर लगभग 40 तोले सोने के जेवर और 1 किलो चांदी के जेवरों के अलावा 10 से 15 हजार रुपए की नकदी चुरा ली है। यह घटना सतीश कॉलोनी निवासी भारत भूषण शर्मा के घर पर हुई है। भारत भूषण शर्मा का परिवार जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वृंदावन गया हुआ था। संडे को यह परिवार वृंदावन गया था और कल रात करीब 2:30 बजे ये लोग जब घर आए तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य द्वार तो ठीक था लेकिन अंदर जो लकड़ी का दरवाजा था सीढ़ियों के पास उसका लॉक टूटा हुआ था और घर के कमरे के अंदर रखी अलमारी का भी लॉक टूटा था और अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था। भारत भूषण शर्मा और उनकी बेटी ऋतु शर्मा ने पुलिस को बताया कि लॉकर में लगभग 40 तोले सोने के जेवर और 1 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर रखे हुए थे। उसमें चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के और चांदी की माला, इसी तरह सोने के जेवरों में भी कई चेन, कई अंगूठियां और कई कानों की बालियां उसमें शामिल थी। तो उनका अंदाजा है कि 40 तोले से ज्यादा सोना चोरी हुआ है। ऋतु शर्मा ने बताया कि घर में नोटों का एक सेरा रखा हुआ था 10,000 रुपए का, वो भी चोर अपने साथ ले गए हैं। उसके अलावा 5-4 हजार रुपए की नकदी जो अलमारी में थी वो भी चोर लेके गए हैं। चोरों ने घर की बाकी भी अलमारियों को खंगाल रखा है। स्टोर रूम में जो अलमारी है उसको भी खंगाल कर सारे कपड़े वगैरह बाहर चोरों ने गिरा रखे हैं। आज फोरेंसिक की टीम ने और शहर पुलिस ने मौके का मुआयना किया और वहां पे लगे CCTV कैमरों को भी खंगाला। भारत भूषण शर्मा एक कन्फेक्शनरी की दुकान चलाते हैं, इसलिए उनके घर पर इतना सोना और इतनी चांदी होने पर हर किसी को एक बार आशंका जरूर होती है। तो हमने इस बारे में जब ऋतु शर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पिता की कन्फेक्शनरी की दुकान है, उनकी वो खुद जो है ई दिशा में जॉब करती हैं, उनकी बहन जो पूजा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, उनका भाई राहुल शर्मा आधार में काम करता था, उनके एक भाई की जिसकी डेथ हो गई है राधेश्याम, वो फाइनेंस का काम करते थे, इसलिए उनके घर पर इतना सोना है क्योंकि पूरी फैमिली कमाने वाली है। कुछ पड़ोसियों से जब बात की गई तो पड़ोसियों का कहना था कि फैमिली फाइनेंस का काम करती है और लोगों के जेवर गिरवी रख के उनको फाइनेंस किया जाता है, इसलिए उनके घर में इतने जेवर हैं। हालांकि ऋतु शर्मा ने इस बात को नकारा है, उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया है कि उनका परिवार किसी तरह से कोई फाइनेंस करता है, लोगों की गिरवी रख के करता, कोई सोने के जेवर रख के लोन देता है, ऐसी बात उन्होंने बिल्कुल नकारी है। कल संडे को वृंदावन गए थे, वृंदावन से जैसे ही कल रात को लौटे हैं आते ही देखा कि हमने हमारे घर के ताले तोड़े पड़े हैं और सभी लॉकर से ज्वेलरी वगैरह सारा कीमती सामान चुरा लिया गया है। क्या सामान वगैरह है कि जिसमें सिल्वर की ज्वेलरी थी और गोल्ड की ज्वेलरी थी? कितना थी गोल्ड की ज्वेलरी और सिल्वर की ज्वेलरी? होगी 40 के आसपास। और ज्वेलरी चांदी कितनी थी? चांदी सर 1 किलो। 1 किलो कैश भी कुछ था? कैश तो थोड़ा बहुत ही था सर। अंदाजा कितने की लागत है टोटल सामान की? यही होगी सर 10-15 लाख। तो हम रात को 3:15 बजे आए, आते जैसे तुरंत देखा है तो गेट का ताला तोड़ा पड़ा। जिले में लगातार चोरियां हो रही हैं, भूना रतिया दुकानों में भी रोज ताले टूट रहे हैं लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। चोर बड़े बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पुलिस कप्तान से हमारा आग्रह है कि लोगों के टूटते विश्वास को बहाल करने के लिए वे अवश्य इन मामलों को पर संज्ञान लेंगे और कोई गंभीर कदम उठाएंगे। वहीं एक आज अच्छी खबर भी है,
स्ट्रीट मेल का असर हुआ है। स्ट्रीट मेल ने जो आर के पैलेस है और डॉक्टर पवन मेहता का जयपुर बच्चों का अस्पताल है, जो अरोड़ा होटल है, इनके पीछे जो तारे लगी हुई थी बिजली की वो झूल रही थी, तो बिजली बोर्ड ने वहां पर लकड़ी का खंभा लगा दिया था, लेकिन जब तेज हवा चलती थी तो लकड़ी का खंभा लटका हुआ था और बार बार तारों में स्पार्किंग होती थी, कई पक्षी भी रोज मर रहे थे। स्ट्रीटमेल टीवी ने इस समाचार को प्रकाशित किया था और अब DHBBN ने वहां पर खंभे लगा दिए हैं जिससे वहां पर तारें खींच दी गई हैं और ये स्ट्रीटमेल का असर है। लेकिन हम DHBBN का इस बाल के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय रहते ये काम किया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने स्ट्रीटमेल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीटमेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीटमेल पेज को लाइक शेयर करें ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। नमस्कार। कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में, कुंदन सैनिटेशन द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, SS, बाथ सेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिंपोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमिसिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद।